नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पावर ब्रेकफास्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा नंदा। ये देख लेते हैं कि मंगलवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत है। गिफ्ट निफ्टी 40 अंकों की स्ट्रेंथ यहां पर दिखाई दे रही है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स तकरीबन 45-46 अंक नीचे है। नैस्डैक फ्यूचर्स में भी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 40 अंकों की उतनी ही गिरावट नजर आ रही है। आज आप कह सकते हैं चीन के बाजार तो बंद हैं, पूरे हफ्ते ही बंद रहने वाले हैं, लेकिन जापानीज मार्केट निके एक दिन की छुट्टी के बाद खुले हैं और दमदार कमबैक दिखाया। 750 अंकों की स्ट्रेंथ यहां पर नजर आ रही है। कमोडिटी मार्केट की बात करें, सुस्त चाल यहां देखने को मिली है। कच्चा तेल $82 के पास सपाट है। सोने चांदी में सुस्त सपाट दायरेबंद कारोबार देखने को मिला है। क्या कुछ हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, किन महत्वपूर्ण ट्रिगर्स और डेटा पॉइंट्स पर रखनी नजर, आइए जान लेते हैं। दीपांशु हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। इक्विटी स्पेस में तो अमेरिका कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्या कुछ हुआ है, कौन से फैक्टर्स है जो स्ट्रेंथ दे रहे हैं, कहाँ नजर रखें? अच्छे संकेत आ रहे हैं, स्टेबल हैं ग्लोबल मार्केट्स, कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा कारोबार हो रहा है, रोज ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं हो रही है, बढ़िया एक्शन है, थोड़ा रोटेशन आपको होते दिखता है। आज सुबह भी अगर आप देखें संकेत ज़्यादातर अच्छे आ रहे हैं, और आज सुबह तो हमें एशिया से भी संकेत मिलेंगे क्योंकि लूनर हॉलीडेज चल रही हैं। चीन और हांगकांग आज बंद हैं, बट बाकी सारे एशिया के बाजार आपके लिए खुल चुके हैं, तो वहाँ से भी आपको अच्छे ही संकेत आ रहे हैं। जापान का बाजार ओपनिंग पर ज़बरदस्त एक्शन दिखा रहा था और वहाँ से गेंस अपनी मेंटेन ही कर रहा है, तो बढ़िया मूव वहाँ पर भी आपको आती हुई दिख रही है। जहाँ तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है, कल का ट्रेडिंग सेशन थोड़ा मिला जुला रहा, उतनी बड़ी मूव्स नहीं आई, बट फिर भी आपने देखा कि डाउ पर 125 अंकों की बढ़त के साथ एक बार फिर से नया रिकॉर्ड लगते हुए दिखा है। वहीं S&P 500 और नैसडैक पर आपने हल्की मुनाफा वसूली देखी है, कुछ ऐसी ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं आई। चुनिंदा दिग्गज IT शेयर्स में गिरावट थी, तो हल्की मुनाफा वसूली वहाँ पर आती हुई दिखी है। बट इसके अलावा ब्रॉडर मार्केट पर रखिए नज़र, जो इनका स्मॉल कैप इंडेक्स है रसल 2000, कल 0.25% उछला था। इससे पहले फ्राइडे को 1.5% उछला था और थर्सडे को भी 1.5% उछला था, तो पिछले 3 दिनों में करीब करीब 5% की तेजी आपको रसल 2000 दिखा चुका है, तो वहां पर जबरदस्त एक्शन बन रहा है। तो फ्रंटलाइन इंडेक्स पर उतना एक्शन नहीं दिख रहा, बट ब्रॉडर मार्केट स्मॉल कैप्स में आपको जबरदस्त तेजी आती हुई दिख रही है, तो रसल 2000 पर रखेगा नजर। 3 दिनों में 5% की तेजी आ गई और कल 0.25% की आउट परफॉर्मेंस यहां पर आपको आती हुई दिखी है। IT के अलावा कुछ नतीजों के स्टॉक्स पर आपको एक्शन आते हुए दिखा, तो एक स्टेबल सेशन था, थोड़ा रोटेशन चल रहा था, ब्रॉडर मार्केट में आपको अच्छा एक्शन आ रहा था। इनकी जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो 4.17% के आसपास स्थिर है, वहां से कोई बड़े संकेत आपको आते हुए नहीं दिख रहे, बट आज एक बड़ा डेटा पॉइंट आने वाला है जो आगे के सेंटिमेंट पर असर कर सकता है। जनवरी महीने का CPI यानी कि रिटेल महंगाई का डेटा आपके लिए आने वाला है। एक्सपेक्टेशन है महंगाई 2.9% आ सकती है और कोर CPI 3.7% आ सकता है। अब देखते हैं इसके बाद जो भी फेड से उम्मीदें हैं वो कैसी होती हैं, बट अब ऑलमोस्ट पूरा बाजार मानने को तैयार है कि शायद मार्च में रेट कट नहीं होने वाले हैं। एक्सपेक्टेशन अब मई या जून की तरफ बढ़ती हुई आपको दिख रही है, तो देखते हैं आज के डेटा पर बाजार का क्या रिएक्शन आता है, बट आज एक अहम डेटा पॉइंट जरूर रहेगा जिस पर सबकी नज़र बनी हुई है। यूरोप की बात करें तो यहाँ पर कल अच्छा कारोबार था, करीब 0.5% तक की बढ़त आपने यूरोप के बाजारों में भी देखी, कोई परेशानी वहाँ पर नहीं थी। डॉलर इंडेक्स आपका 104 के ऊपर कायम है, कच्चा तेल आपका $82 के आसपास एकदम स्थिर है। कल हल्की सी बढ़त हुई बट एक रेंज में ही कारोबार था। मिडल ईस्ट तनाव चल रहा है, सप्लाई की चिंता है, उसके सामने डिमांड भी उतनी नहीं, तो इसी लेवल के आसपास आप कच्चा तेल देख रहे हैं। सोने और चांदी में भी कुछ ज़्यादा बड़ा एक्शन नहीं है, बट कल बेस मेटल्स में एक रीबाउंड आया। हालांकि चीन के बाजार तो इस पूरे हफ्ते बंद है, बट कल निचले स्तरों से बेस मेटल्स में थोड़ा रीबाउंड था, एग्री कमोडिटीज़ में मिला जुला एक्शन था। तो ओवरऑल बहुत ही स्टेबल संकेत आ रहे हैं, यहाँ कुछ ज़्यादा बड़ी ट्रेंड की बात नहीं है। डाउ पर एक बार फिर से आपने नया रिकॉर्ड बनते हुए दिखाया और अमेरिकी ब्रॉडर मार्केट में तो ज़बरदस्त एक्शन बन रहा है, तो एक्शन अब फ्रंटलाइन इंडेक्स से स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में ज़्यादा होते हुए आपको दिख रहा है। चलिए धन्यवाद दीप, पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो जैसे ग्लोबल संकेत मिलते दिखाई दे रहे हैं उस पर हमारे मार्केट्स आज कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनानी है, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, आज की ट्रेडिंग सेशन सर क्या एक्सपेक्टेड है, निफ्टी बैंक निफ्टी क्या करना है सर आज? गुड मॉर्निंग नेहा, देखिए संकेत मिले जुले हैं दुनिया भर के बाजारों से, बहुत अच्छे नहीं बहुत खराब नहीं, लाइफ है एक बार फिर से अमेरिकी बाजारों ने बनाया है। और कल के सेशन के मैं डेटा देख रहा था, कल जिस तरह से बाजार में कमजोरी का माहौल था, जिस तरह से गिरावट हुई, एक्चुअली आप देखिए तो FIIs के डेटा उतने बुरे हैं नहीं, एक्चुअली ज्यादा कोई ऐसी बिकवाली का आंकड़ा नहीं FIIs की तरफ से है, न घरेलू फंड की तरफ से, इवन वायदा कारोबार के आंकड़े भी बेहतर है,
और बैंक निफ्टी आप देखेंगे तो 0.58 के पुटकॉल रेशियो पर एकदम ओवरसोल्ड भी हो चुका है। तो आई थिंक अगर सुई शुरुआत होती है तो थोड़ा एक बार बाजार ऊपर आने की कोशिश करेंगे, थोड़ी एक रिकवरी तो बनती है और शायद इसी वजह से आपको गिफ्ट निफ्टी मजबूत खुलने के संकेत दे रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि थोड़ी जिस तरह से सरकारी कंपनियों के शेयरों में तेज गिरावट आ रही है और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जो गिरावट आपको देखने को मिल रही है उसके चलते मुझे लगता है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तर पर रहेगी ही और थोड़ा आपको इन दोनों ही स्पेस में हल्का रहना चाहिए। तो आज मजबूत शुरुआत का फायदा हम ऊपरी स्तरों पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और पोजिशन हल्की करने में उसमें लगाएंगे। तो पॉइंट यही है कि आपको अहम सपोर्ट लेवल के आसपास हल्की हल्की खरीदारी करनी है और रुकावट के लेवल के आसपास बिकवाली भी। अब जो सपोर्ट है आज के लिए वो है 21425 21525 का लेवल, ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 21700 से 21800 की रेंज है जो आपके लिए करेगी रुकावट का काम। इस रेंज में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर करें, 21800-850 को फिर से पार करना निफ्टी के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बहुत नजदीकी आखिरी सपोर्ट लेवल है 44425 44525, इसके नीचे तो फिर नया रास्ता खुलता है, नई गिरावट के लिए हम तैयार होते हैं। आई होप कि उसके नीचे हम आज नहीं जाएंगे क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा ओवरसोल्ड भी है और वहां पर डबल बॉटम बनने की चांस नहीं। ऊपरी स्तरों पर 45-45200 हल्की फुल्की रुकावट की जगह एक बार उसके पार निकलेंगे तो 45500 से 45700 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। लेकिन ओवरऑल रुझान थोड़ा सा सेलेक्टिव है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में पीएससी स्टॉक्स में जिस तरह की कमजोरी हुई है वो सेंटीमेंट थोड़ा सा खराब करने वाली है। ऐसे में मजबूत शुरुआत के बाद ऊपरी लेवल पर आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी चाहिए। जी वैलिड पॉइंट से धन्यवाद हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए, बताने के लिए कि निफ्टी बैंक निफ्टी के कौन से महत्वपूर्ण स्तरों पर रखनी है नजर। आइए खबरों के दम पर कहां का एक्शन दिख सकता है ये भी जान लेते हैं। नुपुर हमारे साथ पूरी डिटेल लेकर जुड़ चुके हैं। नुपुर मॉर्निंग, पहले तो बताइए कल कौन कौन सी कंपनी के नंबर्स आए हैं, कैसे रहे? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, कोल इंडिया के साथ शुरुआत करते हैं। काफी स्ट्रांग नतीजे आपको यहां पे दिखेंगे, कंपनी की आय में 3% की बढ़त आते हुए दिखी है। रिकॉर्ड लेवल पे जो क्वार्टर थ्री का मुनाफा है वो भी आते हुए दिखा है और तिमाही दर तिमाही आधार पर देखेंगे तो भी नंबर्स काफी स्ट्रांग और काफी मजबूत यहाँ पे नजर आ रहे हैं। मार्जिन 26% का अनुमान था, 31.5% के आसपास आते हुए दिखे और मुनाफा भी देखे तो 6720 करोड़ के अनुमान के सामने 9070 करोड़ के आसपास आते हुए दिखा। तो कोल इंडिया आज फोकस में रहेगा। कल स्टॉक देखे तो 5% नीचे भी था। सेल यहाँ पे कल कमजोरी आते हुए दिखे थे, स्टॉक 8% की कमजोरी के साथ बंद हुआ। यहाँ पे नतीजे अगर आप देखे तो अनुमान से कमजोर आते हुए नजर आ रहे। कंपनी की आय में 7% की गिरावट आपको दिखेगी। कामकाज लेवल पे मुनाफा देखे तो 3% की बढ़त है लेकिन अनुमान से कमजोर आते हुए दिखे और मार्जिन्स भी 10% का अनुमान था उसके अगेंस्ट सिर्फ 9% के आसपास आते हुए दिखे। कैश में तिलक नगर इंडस्ट्रीज पे आज फोकस करके चला है। कंपनी की आय में 24% की आपको ग्रोथ आते हुए दिखे। कामकाज लेवल पे देखे तो मुनाफा 27% से बढ़कर आते हुए दिखा है और मार्जिन्स में भी आपको 20 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट दिखेगा। एक्सेप्शनल गेन था बेस में जिसकी वजह से मुनाफे में गिरावट आती हुई नजर आ रही है। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट यहाँ पे नतीजे जो आए हैं क्वार्टर थ्री के वो काफी कमजोर है। 13% के गिरावट आपको आय में आते हुए दिखेगी। कामकाज लेवल पे मुनाफा 27% से गिरकर आते हुए दिखा है और 200 बेसिस पॉइंट की कमजोरी मार्जिन्स में नजर आ रही है। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर भी नजर रखनी है, कमजोर नतीजे। कंपनी की आय में 3% की गिरावट है, मार्जिन 27% से गिरकर 24% के रह गए। बीएलएस इंटरनेशनल यहाँ पे भी अगर आप देखें तो मिली जुली परफॉर्मेंस रही है कंपनी की तरफ से। आय बिल्कुल फ्लैट ग्रोथ यहाँ पे दिखेगी लेकिन ऑपरेशनली काफी स्ट्रांग है। 15% के मार्जिन बढ़ के 20% पहुंचते हुए दिख रहे और लास्ट में नतीजों में एचईजी काफी कमजोर यहाँ पे ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है। कंपनी की आय में 6% की तो बढ़त है लेकिन कामकाज लेवल पे मुनाफा देखें तो 34% की गिरावट आपको दिखेगी और मार्जिन भी 25% से गिर के 15% के रह गए। चलिए ये तो बात हो गई कल आए नंबर्स की, लेकिन नुपुर आज कौन कौन से नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं और खबरों के दम पर कहाँ का एक्शन है? बिल्कुल, नतीजों के अंतिम चरण में ही पहुंच गए तो आज काफी सारे नतीजे आने वाले हैं। हिंडाल्को आयशा मोटर्स निफ्टी से नतीजे घोषित करेंगे तो यहाँ फोकस करके चला है। BHEL साथ ही साथ बॉश और दीपक नाइट्राइट, गुजरात गैस, IRCTC, नैल्को, इन्फो एज, हिंदुस्तान कॉपर, ZA एंटरटेनमेंट और सीमेंस के भी आज आने वाले हैं नतीजे। इंडिगो फोकस करके चलेंगे क्योंकि जो गंगवाल फैमिली का स्टेक है 25% उसका लॉक इन
आज खत्म होते हुए दिखेगा। इनेबल हाउसिंग फाइनेंस राइट्स इशू जो 7 तारीख को शुरू हुआ था वो आज बंद हो जाएगा। 24 करोड़ शेयर्स इसमें दिए गए और इसकी जो प्राइस थी वो 150 रुपए के आसपास की थी। आईपीओ के लिहाज से एंडेरो हेल्थकेयर आज इसका आखिरी दिन है और अब तक अगर आप देखें तो करीबन 20% ये आईपीओ भरते हुए दिखा है, लेकिन विभो स्टील आईपीओ जो है वो आज ओपन अप होते हुए दिखेगा। 15 फरवरी तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देखे तो 141 से 151 रुपीस के आसपास की है। इसके अलावा खबरों में सबसे पहले MSCI के जो अनाउंसमेंट आने वाले थे फेब के रिव्यू के, वो अब आ चुके हैं। ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में NMDC, GMR एयरपोर्ट्स, यूनियन बैंक, BHEL, PNB शामिल होने वाले। इसके अलावा स्मॉल कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी काफ़ी कुछ बदलाव किए, जैसे कि एडिशन में आप सेलो वर्ल्ड, साथ ही साथ होनासा, इरेडा जैसी कंपनीज आपको नजर आएगी। PTM आज फिर से फोकस में आते हुए नजर आ सकता है, क्योंकि PTM पेमेंट बैंक पर जो फैसला लिया गया RBI की तरफ से उस पर रिव्यू करने के लिए तैयार नहीं है। हफ्ते भर में PTM पर जो क्वेश्चन एंड आंसर है वो जारी किए जाएंगे, ऐसा बयान RBI गवर्नर की तरफ से आते हुए दिखा है। JSW एनर्जी जहां पे सब्सिडरी को एक ऑर्डर मिलते हुए नजर आया, 500 मेगावाट की क्षमता का ये ऑर्डर है, तो पॉजिटिव न्यूज़ है JSW एनर्जी के लिए। RVNL पर भी फोकस करके चलेंगे, कंपनी को करीबन 106 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, जिसे 12 महीने में पूरी करती हुई आपको कंपनी नजर आएगी। फंड एक्शन में SBI कार्ड्स पर आज फोकस करके चलना है, क्योंकि LIC ने करीबन 3 लाख शेयर्स जो है वो खरीदे। 9 फरवरी को ओपन मार्केट के जरिए ट्रांजैक्शन किया गया था 716 के भाव पर। इसके अलावा स्टार हाउसिंग फाइनेंस जहां पे अमासा होल्डिंग ने करीबन 1.5% हिस्सेदारी खरीदी है 713 के भाव पे, और जो सेलर है वो शासन लीजिंग फाइनेंस कंपनी है। बजाज फाइनेंस में भी अगर आप देखें तो उन्होंने भी, बजाज फाइनेंस ने भी करीबन 8 लाख शेयर्स स्टार हाउसिंग फाइनेंस में बेचे। और लास्ट में पार्क होटल हाल ही में लिस्ट हुई थी कंपनी, जहाँ पे क्वांट म्यूचुअल फंड ने हिस्सेदारी खरीदी है। 93 लाख शेयर्स यहाँ पे 196 के भाव पे खरीदते हुए दिखे, तो पार्क होटल्स पर भी करना है फोकस। ओके, चलिए तो ये कुछ और खबरें हैं जिनमें अच्छा खासा एक्शन दिखेगा और आपको मिलेगा कमाई का भरपूर मौका। धन्यवाद नुपुर डिटेल के लिए। आइए मार्केट एक्सपर्ट्स की भी राय जान लेते हैं। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल की शिवांगी सारदा शो में शामिल हो चुके हैं। शिवांगी जी, मॉर्निंग बताइए, आज कौन से स्टॉक्स पे आपकी नजर रहने वाली है? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी, हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो थोड़ा बहुत पॉज लेते हुए दिख रहा है, हायर जोन से प्रॉफिट बुकिंग है एंड बैंक निफ्टी हैज टेकन अ बैक फुट। ऐसे में हमें सेक्टर स्पेसिफिक रहना चाहिए, तो आज मेरा जो प्रेफर्ड सेक्टर है वो है IT और फार्मा की तरफ। तो पहला पिक मेरा रहेगा HCL टेक पे। कल हमने देखा है कि ये स्टॉक जो है एक रेंज ब्रेकआउट दिया है पिछले कई दिनों का, एंड हम देख रहे हैं कि कल के सेशन में 14% ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है लॉन्ग साइड में, तो काफी एक अच्छा प्राइस वॉल्यूम बिल्डअप होते हुए दिख रहा है यहाँ पे, जो एक्सटेंड करेगा मूव को। तो 735 के एक टारगेट नेक्स्ट बनते हुए दिख रहे हैं 1630 के एक स्टॉप के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा अपोलो हॉस्पिटल पे। पूरे ही इस स्पेस पे हम देख रहे हैं कि काफी एक अच्छा एक्शन है, 3 दिनों से ये स्टॉक में कंटिन्यूसली वॉल्यूम सर्ज होते हुए दिख रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अपने एक पिछले रेंज को निकालते हुए अब अच्छी तरह से परफॉर्म करते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी के मौके ढूंढे। नेक्स्ट टारगेट जो है वो 6880 के बनते हुए दिख रहे हैं 6480 के एक स्टॉक के साथ। थैंक यू शिवांगी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। IT फार्मा स्पेस, इन दो सेक्टर्स पर शिवांगी जी की नजर रहेगी। HCL टेक 1735 के टारगेट के लिए करे खरीदारी, और पोलो हॉस्पिटल 6880 तक का टारगेट बनता दिख रहा है, 6480 का स्टॉप लॉस शिवांगी जी की तरफ से। आइए कमोडिटी बाजार की रणनीति समझ लेते हैं। केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। केडिया जी, पहले बेस मेटल्स पे जरा फोकस कर लेते हैं। हमने देखा कि एकदम से मल्टी मंथ लोस से यहाँ पे एक तगड़ी रिकवरी हमने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखी, क्या किया जाए? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी, डेफिनेटली देखा जाए तो पूरे बेस मेटल में हमने पिछले 1-1.5 महीने से कंटिन्यू गिरावट आते हुए देखी है। इनफैक्ट चाइना मार्केट भी हॉलीडे है, बट उम्मीद है कि चाइना मार्केट ओपन अप होने के बाद हमें एक जब मिले लिंग, कल हमने देखा जिस दिन से डॉलर इंडेक्स में गिरावट थी और लो लेवल पे बाइंग आते हुए दिखाई दी, वो इंपॉर्टेंट। साथ में कल हमने देखा चाइना से जो पैसेंजर व्हीकल के जो डेटा आए थे वहां पे हमने काफी बड़ा एक जंप आते हुए दिखा था, जिसमें 2.035 मिलियन यूनिट्स के सेल्स दिखाए थे, तो वहां से एक होप बनी हुई है, तो वो पूरे बेस मेटल को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दिया। बट अभी भी मुझे लगता है थोड़ा सा नीच एरिया पे, खास करके कॉपर की अगर हम बात करें,
कॉपर 712 के ऊपर निकल जाता है तो एक सेफ्टी नेट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बट आज के सेशन में भी मुझे लगता है ये तेजी कंटिन्यू रहेगी, जहां पे 706 पे हमें कॉपर बाय करना है, 704 के स्टॉप लॉस से 712 का टारगेट रहेगा। वहीं कल के सेशन में हमने एल्यूमिनियम में भी एक अच्छी तेजी देखी थी, ये भी कंटिन्यू लग रही है, जो 200 रुपए 50 पैसे पे बाय करना चाहिए, 99.50 का स्टॉप लॉस रहेगा, 203 तक का टारगेट रहेगा। और कच्चे तेल पे क्या व्यू बन रहा है, भाव बिल्कुल स्थिर हो गया 82 के पास? देखिए एज ऑफ नाउ अगर हम कच्चे तेल की अगर बात करें तो सप्लाई एंड डिमांड दोनों ही इन हैंड चल रहे हैं। कल हमने डॉलर की जो गिरावट थी उसकी वजह से कच्चे तेल को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला है। इवन चाइना के जो नंबर्स आए हैं ये थोड़े कंसर्निंग रहेंगे कच्चे तेल के लिए। मीनवाइल मुझे लगता है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन जो यूएस यूके मिलकर यमन में एयर स्ट्राइक कर रहा है, ये सबको देखते हुए कच्चा तेल एक साइडवे टू पॉजिटिव ही मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो आज के लिए भी एक तो कच्चे तेल की बात करें, बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड करना चाहिए, 6300 के करीब लेके चलिए, 6220 का स्टॉप लॉस रखिए, अपसाइड लिमिटेड है बट 6440 तक के लेवल हम देख पाएंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच केडिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि मेटल्स और एनर्जी में कहाँ रखनी है नजर, क्या करना है। बढ़ते हैं आगे FIR यानी FIR इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ और जान लेते हैं कि विदेशी ब्रोकरेजेस की नजर कौन से स्टॉक्स पे। नुपुर के पास है पूरी डिटेल्स, नुपुर बताइए। दमदार नतीजों के बाद कोल इंडिया पे सबसे पहले रिपोर्ट आती हुई दिखी है, जहां पे जेफरीज ने बाई की रेटिंग को किया है मेंटेन, लेकिन अगर लक्ष्य देखें तो वो बढ़ाते हुए दिखे, 450 से बढ़ा के 550 रुपए कर दिया है। सेल पर भी फोकस करके चलेंगे, कमजोर नतीजा है, मॉर्गन स्टैनली की इक्वल वेट की रेटिंग है और जो लक्ष्य है वो 85 रुपए के आसपास का है। इसके अलावा संवर्धन मदरसन सुमी, यहाँ पर भी CLSA की तरफ से रिपोर्ट आती हुई दिखी, कमजोर नतीजों के बाद डाउनग्रेड किया है, आउट परफॉर्मेंस पे बाई की रेटिंग से आउट परफॉर्म कर दिया और जो लक्ष्य हालांकि यहाँ पे 2 रुपए से एडजस्ट करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। JP Morgan यहाँ पे ओवरवेट की रेटिंग को मेंटेन किया, टारगेट ब्रेक है तो 115 रुपए से बढ़ा के 130 रुपए किया है और लास्ट में सिटी जहाँ पे सेल की रेटिंग है संवर्धन मदरसन पे और जो लक्ष्य है वो 85 रुपीज के आसपास का, तो ये स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं। चलिए थैंक यू नुपुर पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। पावर ब्रेकफास्ट को यहीं समेटते हैं, लेकिन बने रहिएगा Zee Business के साथ।